सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सहकारिता मंत्री बनने के बाद राजीव सहजल ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए ताकि जिला में रुके विकासात्मक कार्यों को फिर से गति प्रदान की जा सके। सहजल ने सभी विभाग प्रमुखों को हिदायत दी है कि वह जनता के कार्यों को शीघ्रता से निपटाएं और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे जनता की भावनाएं आहत हों। साथ में उन्होंने इस मौके पर सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए भी आग्रह किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सहकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि आज उन्होंने विभाग प्रमुखों से पहली बैठक की है और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की है। उन्होंने बताया कि सोलन जिला में व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त करना है इसको लेकर उनके साथ चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में सोलन अस्पताल बदहाली के आंसू रो रहा था, लेकिन अब जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेदा को हर घर द्वार तक पहुंचाने के लिए भी चर्चा की गई। साथ में इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के लिए भी कहा गया। बैठक का जो स्वरूप था वो परिचयात्मक था, सभी अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत परिचय, बहुत माइन्यूटली तो नहीं लेकिन स्थूल तौर पर, और विभिन्न विभागों की योजनाओं के विषय में भी एक ब्रीफिंग जो है वो अधिकारियों के माध्यम से, और सरकार का संकल्प और सरकार की भावना क्या है ये भी संदेश जो है वो मेरे माध्यम से मैंने अधिकारियों को देने का प्रयास किया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले 5 वर्षों में इस अस्पताल की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, और लेकिन मैं आपको और जनता को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अब ऐसी स्थिति जो है इस अस्पताल की रहने वाली नहीं। आयुर्वेद जो है ये जन जन की चिकित्सा पद्धति बने, और मैंने आज ये विषय जो है इस मीटिंग में भी जो है डिस्कस हुआ है, हर घर तक हर द्वार तक आयुर्वेद पहुंचे, स्वास्थ्य के नियम क्या हैं वो हर घर तक हर द्वार तक इस विभाग के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए प्रयास करें।